ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और हम लोगों ने प्रूव करना है साइन 3a ओवर साइन a माइनस कॉस 3a ओवर कॉस a इज इक्वल टू 2, यानी ये जो टोटल लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर हम लोगों ने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है, तो जाहिर है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलेज आपको आने चाहिए। फार्मूलेज यानी बुनियादी फार्मूले जिनकी मदद से हम लोग सवाल हल करते हैं, और इसमें भी दो फार्मूले यूज़ होंगे, वो आप लोगों को ज़रूरी याद आने चाहिए, यानी इसके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लेना है। ये टोटल लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वल के इस तरफ है, जो भी टर्म्स इक्वल के इस साइड हो तो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो इक्वल के उस साइड तो वो राइट हैंड साइड है। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हम लोग के पास किस चीज़ के बराबर है, यही टर्म्स के बराबर है, तो लिखेंगे साइन 3a डिवाइडेड बाय साइन a माइनस, यही माइनस आ गया, कॉस 3a ओवर कॉस a हम लोगों ने ये लिखा। अभी इसके और सॉल्व करना है। सॉल्व किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने ये सुना है कि जब भी प्लस या माइनस आ जाए तो हम लोगों ने क्या करना है, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हो नंबर्स या कोई भी टर्म्स वेरिएबल्स, तो हम लोगों ने एलसीएम लेना है, इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम के कुछ रूल्स है, या फिर दोनों डिफरेंट है तो दोनों ही एलसीएम में आएंगे, अगर सेम थे तो यही नहीं आएंगे, सिर्फ एक मरतबा आएगा। ये अभी हम लोगों ने देखा है कि दोनों डिफरेंट, एक साइन है और ये कॉस है, दोनों बहुत मुख्तलिफ है, तो हम लोगों ने दोनों को ही एलसीएम में लाना है। एलसीएम का एक और रूल ये है कि जो भी इसी डिनोमिनेटर में हो, इसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हो, तो न्यूमरेटर में वही मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि वो क्रॉस वाला मल्टीप्लाई में होगा। साइन 3a तो हम लोगों ने वही लिखा, और अभी हम लोगों ने क्या वही नहीं लिखना है, ये जो डिनोमिनेटर में उसी फ्रैक्शन के हम लोगों ने वो वाला लिखना है जो इसके क्रॉस में हो, यानी कॉस a। ये आपको ज़रूर थोड़ा यहाँ पे जेन लगा लें कि यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह एलसीएम लेना है। एलसीएम मैंने एलसीएम अप्लाई करना है जब नंबर्स में तो मुख्तलिफ है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन वेरिएबल्स और नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इंसान, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने फुल कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस 3a तो इसी तरह आ गया, कॉस 3a और यहाँ पे लिखेंगे कॉस 3a तो उसी तरह आ गया। अभी हम लोगों ने कौन सा मल्टीप्लाई करना है, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला साइन a, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी एक मरतबा और लिखना है सी ऑर्डर में, साइन 3a कॉस a माइनस, अभी यहाँ पे मैंने पहले साइन लिखा था तो यहाँ पे भी पहले साइन लिखेंगे, साइन a कॉस 3a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन a कॉस a, ठीक है। हम लोगों ने वही लिखा इज इक्वल टू, या पे एक फार्मूला है, सबसे पहले मैं एक फार्मूला आप लोगों के पास यानी सर लिखना चाहता हूँ कि साइन अल्फा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये किस चीज के बराबर होगा, साइन ए माइनस बी। यहाँ पे ए और बी क्या है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, ए हम लोगों के पास यहाँ पे क्या है 3a, और बी क्या है सिर्फ a, यानी आप लोग ये समझ लें कि ए हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के मुताबिक तो चेंज होता रहता है, हम लोगों ने एक जनरल लिखा कि इसके बराबर होगा, ये एक फार्मूला है जो यहाँ पे यूज़ होगा। तो हम लोगों ने इस तरह लिखना है कि ये जो टोटली जो हम लोगों ने ये टर्म्स लिखा ये इसके बराबर लिखेंगे, तो आएगा साइन इसके बराबर लिखेंगे, साइन ए हम लोग के पास क्या है 3a माइनस बी हम लोग के पास क्या है a है, ठीक है, ये a, तो हम b की वैल्यू लिखेंगे a, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 2 साइन a cos a। ये हम लोगों ने भी एक और फार्मूला तोड़ा है, लेकिन और बनाना है फार्मूला बनाना है, जो कि 2 साइन a cos a इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, साइन 2a।
अभी कमी क्या है कि साइन ए बी है, कॉस ए बी मौजूद है, तो दो नहीं है। दो को किस तरह लाना है, तो दो से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। ये मैंने लाया, अभी यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, साइन 2a, 3a से माइनस a गया तो क्या बच गया, 2a डिवाइडेड बाय 1/2, तो इसी तरह आ गया। अभी 2 sin a cos a किस के बराबर है, sin 2a के, मैंने उसी तरह लिखा, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है कि इस a को, यानी जो sin 2a है और sin दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे ऊपर क्या बच जाएगा, 1/2, ये तो सेम यही पे आएगा। अभी हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/2। अभी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाएंगी, यानी जो नीचे का है ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे, यानी इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, जो भी टर्म्स या नंबर्स है वो आएंगे। अभी हम लोगों ने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 2 आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने सॉल्व किया, ये वाला इसका आंसर क्या आया, 2 आया, और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, वो भी 2 है, तो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। तो हम लोगों ने प्रूव किया दो फार्मूलों की मदद से, ट्रिग्नोमेट्री के दो फार्मूले यूज हुए, ये और ये, साइन ए कॉस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए और बी मैंने वेरिएबल्स लिखे जो कि चेंज होते हैं फार्मूले के मुताबिक।